वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अजोऽपि सन्नव्ययात्मा श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 27 अप्रैल 1996 को रात्रि लगभग 8 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदोत्तम ज्ञानमिद्याय कृष्णाय गीतामृतगुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीतदावात् गीताम्बराधर्मबिन्दफलादपुष्पवत् कृष्णाक्षरमपि हरि ओम श्री कुछ भी नहीं करना पड़ता, सब कुछ करना पड़ता है, दोनों पड़ता है, कुछ भी करना नहीं, बस राग द्वेष मोह काम क्रोध छोड़ने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता, बिल्कुल नहीं। शरण होने पर वो सरेंडर करता है, जो कुछ करना हो सरेंडर करता है, उसे कुछ नहीं करना पड़ता,
और सब कुछ करना पड़ता है यार, सब कुछ। जैसे विवाहित स्त्री है उसको कुछ नहीं करना पड़ता और सब कुछ करना पड़ता है। तात्पर्य क्या हुआ कि पति के साथ संबंध करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, वो संबंध हो गया हो गया हो ही गया सदा के लिए, कुछ नहीं करना पड़ता। और पति के घर का काम सब कुछ करना पड़ता है मशीन की तरह, पर उसको कुछ नहीं करना पड़ता, अपने लिए कुछ नहीं करना पड़ता। ऐसे शरण होने पर उसके लिए ये मैं शरण हो गया, अब मेरा कल्याण होगा नहीं होगा, ठीक होगा पतन होगा उत्थान होगा क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं करना पड़ता। और भगवान का काम हर समय करना है, पर वो करना पड़ता नहीं है, करना पड़ता ये आफत होती है। करना है वो आफत नहीं है, सब कुछ करना है, पर सत्य ही स्वाभाविक वो करेगा क्या। ये जो आया है ये व्यास भरोसे कुंवरी के सोमत पाव पसार, सोमत पाव मन कुछ नहीं करना पड़ता, और भगवान का भस्मरण करना है इसमें एक आनंद आता है, करना पड़ता है उसमें आपत होती है। जो भगवान का स्मरण करता है, चिंतन करता है, भगवान के नाम का जप करता है, भगवान के ग्रंथों को पढ़ता है, भगवान की बात करता है, उसमें उसका एक आनंद आता है विचित्र। तो उनमें करना नहीं पड़ता है, स्वतः स्वाभाविक भगवान की मीठी याद आती है, स्वाभाविक उस करता है, क्योंकि इससे बढ़कर कोई काम है ही नहीं। भगवान का स्मरण करना तो मच्चेता मदगत प्राणा बोधियंत परस्परम कदियंत माम नित्यम तुष्यंत रमंति से क्या करना पड़ता है। मच्चेता मदगत प्राणा, भगवान में ही चिंता है, चिंतन है प्राण है, मन भगवान के चिंतन स्वतः होता है। विवाहित लड़की के लिए वो घर अपना आ गया, जब तक वो नहीं ब्याही गई तब तक उसका घर नहीं आया, घर नहीं था उसका, विवाह होते ही वो घर पर आ गई, अपने घर पर आ गई। लड़का लड़की आपस में लड़ते हैं तो माँ बाप कहते हैं अरे भाई बहन से कौन है, ये अपने घर जाएगी तो अपने घर जाएगी। ऐसे भगवान की शरण है, वो अपने घर आ गया। जैसे घूमते घूमते तीर्थों में घूमते फिरते हुए अपने घर आ गए, भटका हुआ प्राणी भी रात दिन दुख पाता हुआ घर पर आ गया, तो घर पर आते ही कुछ नहीं करना पड़ता। अब रसोई बनाओ, भोजन करो, जो कुछ करो क्या, अब करना और क्या है, घर आ गए अपने, तो घर आने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। और सब कुछ करता है, हर सब निरंतर करता है, पर करना पड़ता नहीं। आपको श्वास लेना पड़ता है क्या, पलकों को उगाड़ना पड़ता लेना पड़ता है क्या, शरीर की मशीन को चलाना पड़ता है क्या, सत्य होता है स्वाभाविक। स्वभाव भजन हमारे भगवान का भजन स्वाभाविक होता है, स्वतः आता है, उस भजन में मिठास आता है। जैसे बालक माँ का दूध पीता है तो पीने में आनंद आता है, कोई परिश्रम तो नहीं पड़ता है भाई, बड़ी मेहनत पड़ती है, दूध पीता बड़ा मेहनत होती है, मेहनत क्या है, सुला दे तो बेचारा क्या क्या छटपटाट करता है, छूटता नहीं है। ऐसे भगवान की शरण जाती है वो आनंद आता है। ये क्या है, स्मृति लब्धा। अर्जुन ने भगवान से पूछा, नहीं भगवान ने पूछा पहले, सब सुना करके कच्ची दे तो श्रुतम पार्थ, कच्ची दे तो श्रुतम पार्थ, तो एकाग्र चेतसा, तुमने एकाग्र चित्त से सुना, अरे कच्चित अज्ञान सम्मोह पर नष्ट धनंजय, क्यों धनंजय, अज्ञान कृत जो अंधकार था वो
दो प्रश्न पूछे। भगवान के पूछगा तो आपसे ये मालूम देता है कि तैने एकाग्रता से गीता सुना तो नहीं, और एकाग्रता गीता सुनाई तो उसका सुनना का ये तात्पर्य होगा कि अज्ञान वो नष्ट हो गया तेरा तो नहीं। तो अर्जुन ने कहा नष्ट हो गया, वो नष्ट हो गया। दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया, पहले प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। अरे तुमने गीता सुना तो नहीं है, मोह नष्ट हुआ, मोह नष्ट हो गया। तो मोह नष्ट हुआ कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि गीता मैंने सुन ली। भगवान की पूछना तात्पर्य गीता अगर एकाग्रता सुना तो मोह नष्ट होना चाहिए। अरे मोह नष्ट नहीं हुआ तो एकाग्रता गीता सुना नहीं। अर्जुन कहता है नष्ट हो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया। तो मोह नष्ट हो गया इससे सिद्ध क्या हुआ कि गीता सुन ली, नष्ट हो गया। परंतु अर्जुन का भाव क्या है कि मैंने गीता सुनी इससे मेरा मोह नष्ट हो गया, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। तत्प्रसादात मोह नष्ट हुआ है आपकी कृपा से, आपकी कृपा से मोह नष्ट हुआ है, मेरी पंडिताई से नहीं, मेरी तत्परता से सुनने की योग्यता से नहीं, उस क्रिया से नहीं, आपकी कृपा से। तो शरणागत होने पर उसकी कृपा बरसती है भगवान की, स्वतः स्वाभाविक कृपा बरसती है, वो कृपा करवा लेती है सब कुछ। सासु कृपा नहीं, कृपा आघाती, कृपा प्रवृत्ति नहीं होती, कृपा करके भी कृपा नहीं होती, और कृपा से सब होता है, उसको मालूम होता है कृपा से सब कुछ हो रहा है। जैसे बालक की गोदी में पड़े हुए बालक को बड़ा होना नहीं पड़ता है कि भाई उसको परिश्रम किया जाए या बड़ा हो जाऊं मैं, वो आप सब होता है। ऐसे भगवान की शरणों के शरण होने पर उसमें जो कुछ आना चाहिए वो गुण आप से आप आने लगते हैं, आप से आप, आप से आप ही। वो क्या होता है उसका, वो गोत्र बदल जाता है। लड़की का गोत्र होता है अपने पिता का, और विवाह होने पर पिता का गोत्र नहीं रहता, अब गोत्र पति का हो गया, अब दूसरे गोत्र की होगी, वो गोत्र बदल दिया अपने आप को, ऐसा बदला गोत्र बदल। तुम्हारे बालक पैदा हुआ, पैदा हुई वहां उसी घर में, पर उस घर का कुछ नहीं रहा, अब गोत्र हो गया। वो ए साहिब का गोत गोत होत है गुलाम, भगवान का गोत ही गोत होता है, कच्छते अच्छुत गोत्रिया, उसका गोत हो ही हो गया, पहले वाला नहीं रहता। सच्चे हृदय से जो साधु हो जाता है उसका फिर घर वालों से संबंध नहीं रहता, वो संबंध अपने गुरु के साथ हो जाता है। घर वाले एक साथ सब मर जाए तो उसको चिंता नहीं, बहुत पनप जाए बड़े भाई धनी हो जाए बड़े खुशी, तो कोई उसकी पसंदा नहीं, उसे मतलब नहीं है जब वो साधु हो गया। और अगर चिंता घर वाले होती है तो साधु हुआ नहीं, पितर से साधु नहीं हुआ है, बाहर से कोई हुआ है, पितर साधु भी क्या मतलब उसे। 12 वर्ष भी समाचार ना आवे घर का तो खुद ही याद ही नहीं आती, आप बताओ याद आती है घर वाले क्या दिशा है, कैसे है, किस अवस्था में है, कोई पत्र आता है, कभी चिंता होती है। एक दंडी स्वामी थे, वो लड़का थे, वो विद्वान थे अच्छे, तो कथा करते थे, रामायण कथा सुंदर करते थे। वो कहते थे जब दंडी स्वामी मैं जाता हूँ, मेरे पूछते हैं लड़का कैसे है, वो कैसे है, वो कैसे है, तो वो पंडित जी कहते थे मैं पूछता हूँ महाराज आपको, अब क्या मतलब आपको, जो वो होता है पूछ लेते। ठीक है, ऐसे साधु हो जाता है उसका जन्म दूसरा आ जाता है। हमारे साधुओं में ऐसा कायदा है कि एक बालक है, वो 2-4 वर्ष पहले साधु हुआ,
और एक बूढ़ा आर्य साधु होता है तो वो आर्य साधु होता है वो दंडवत करता है वो बालक को। वो बूढ़ा तो अब जन्मा है और वो पहले जन्मा है, वो बड़ा ये छोटा ऐसे नहीं अवस्था बड़ा बड़ा भी पहले साधु कौन हो वो बड़ा माना जाता है। उसका जन्म पहले हुआ उसका जन्म अब हुआ। जैसे योग तो लड़ने से दुजन्मा होते हैं ऐसे साधु होने को दुजन्मा हो गया। पिछाड़ी वाली अगर रहती तो वो ठीक साधु नहीं हुआ। इस वास्ते साधु के विषय में पहले वाले गोत्र और जाति को देखना है। वे साधु को समझते नहीं, अगर साधु पहले वाले याद करता तो साधु हुआ नहीं। पहले वो कुछ कुछ नहीं रहता उसका सब वो काय बढ़ जाती है एकदम ही। तो ये तो नया बनता है साधु और शरणागत है वो नया नहीं बनता है। वो तो शरण पहले से है, भगवान ने तो शरण ले ही रखा है। ये जीव शरण नहीं होता है, ये उल्टा चलता है तो उल्टा चलना बंद हो जाता है, वो अपने घर ठीक आ जाता है। इन दोनों संबंधों में एक संबंध है भगवान की तरफ का, एक भगत की तरफ का संबंध। संबंध दुष्ट होता है, दो में रहता संबंध करते हैं दोनों होता है। तो इन दोनों संबंधों में मुख्य संबंध किसका है? मुख्य संबंध है भगवान का। जीव भूल जाता है तो भगवान कहे सब मम प्रिय सब मम पूजाए, मेरे पैदा किए हुए हैं सब मेरे को प्यारे लगते हैं। तो भगवान को सब प्यारे लगते हैं। अब इस संसार प्यारा लगता है तो ये विमुख हुआ है, ये अलग नहीं हुआ है, भगवान मानते नहीं। तो मुख्य संबंध तो परमात्मा की तरफ से है तो वो संबंध हमारा है ही। तो स्मृति लब्धा का तात्पर्य क्या हुआ? याद आ गई, भूल गए थे संसार का अपने को मान लिए, स्त्री पुत्र है माता पिता भाई भौजाई भतीजा का अपना मान लिया हो तो ये भूल थी, ये अपने है नहीं, ये अपने पहले नहीं थे पीछे नहीं रहेंगे और अब भी इनका संबंध विच्छेद हो रहा है। जो जो दिन जा रहे हैं त्यों ये त्यों घर वालों के साथ शरीर के साथ संबंध विच्छेद निरंतर हो रहा है। मनुष्य समझता है हम जी रहे हैं, जी नहीं रहे मर रहे हैं, निरंतर मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। जितने जितने उम्र आ गई है उतने उतने मर गए हैं। अब और जीना कितना है इसका तो पता नहीं, परंतु उम्र ही उतने तो मर गए, उतना शरीर से संसार से संबंध विच्छेद हो गया। पर जा रहा है मौत की तरफ और वो संबंध भगवान का है, अब भगवान की तरफ जा रहा है। जिसने शरण उसे जन्म गया वो अब जन्म कर गया वो भगवान की तरफ जा रहा है निरंतर। आपसे आप स्वभावेगी स्वभाव भजन में हरे, भगवान के भजन करने का उसका स्वभाव है। आत्मा रामाष्ट मुनियो निर्ग्रंथ आपके रूप में कुरुंती अहेतु भक्ति, उस भक्ति का कोई ऐसा नहीं उसे करना पड़े कुछ भी, क्योंकि इतम भूत गुणो हरि भगवान ही ऐसे हैं कि उसकी तरफ मन आकृष्ट हो जाता है। क्या भगवान की हो गए निश्चिंत हो जाता है, चार बात हो जाती है, चिंता मिट जाती है, भय मिट जाता है और शंका मिट जाती है, शोक मिट जाता है। अब शोक है ही नहीं, कोई प्रश्न भी नहीं है और भय भी नहीं है, चिंता भी हुई नहीं है। भगवान ने कह दिया माँ एक शरणम भज, मेरी शरण हो जाए। संजान किया हम पास सर्व पापे भी मोक्ष, सब पापों से मैं मुक्त कर दूं, तू चिंता मत कर। शरणागत होकर चिंता करता है तो गलती करता है, वो अपने चिंता होकर चिंता दीन दयाल को मोहन सदानंद, चिंता करो दीन दयाल भगवान करे। लड़की ब्याह कर चली जाती है तो उसे खाने पीने का रहने का प्रबंध ससुराल वाले करते हैं, उनको अपने करना पड़ता है, अपने कोई काम करना पड़ता नहीं।
इसलिए उसको खुद खुश नहीं करना पड़ता है, उसके इतना आनंद इतनी विलक्षणता रहती है कि वो अपने घर पर आ गए असली। तो ये क्या है कि पहले से जीव मात्र भगवान के हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजा है, तो भगवान के उत्पन्न किए हुए हैं, भगवान के ही हैं। ये जो बात है भगवान को भजन करो, जप करो, कीर्तन करो, स्वाध्याय करो, ये करो, ये करो, ये करना होता है ना, ये एक मजदूरी है, उस करने के अनुसार उनको पैसा मिलेगा, उसके भगवान का संबंध होगा, उनका उद्धार होगा, तो करने के अनुसार होगा। और घर का होता है उसका करने के साथ संबंध नहीं होता, काम करे तो रात दिन करे, नहीं तो पैसा पड़ा है कुछ भी करे, वो करने के साथ संबंध नहीं, इतना जप किया, इतना कीर्तन किया, इतनी योग्यता संपादन की, उसके साथ संबंध नहीं है, तो उसका है। घर वाला आदमी करे तो रात दिन करे, क्योंकि अपने घर का काम है, नहीं करे तो नहीं करे, करवाने करने के क्रिया के साथ संबंध नहीं है, क्रिया के संबंध साधक वो करता है जो उसका नहीं हो करके अपनी तरफ से करता है। इस वास्ते लोकेश में द्विधा निष्ठा, दो निष्ठा बताई, कर्मी हो या नहीं हो, ये निष्ठा है दो लोक में, और भगवान की भगत की निष्ठा अपनी निष्ठा नहीं होती, भगवान निष्ठा होता है वो, और भगवान की निष्ठा उनकी निष्ठा। बस जो जाको शरणों लियो ताके ताकि लाज, उनटे जल मछली चले वे हो जाते गजराज, जिसका आश्रय लिया उसकी उसको शर्म है, उसकी बेचारे वो क्यों चिंता करे। मछली होती है छोटी, वो जल में घूमती है, जल कुछ नहीं कहता, जल के प्रवाह में जल के अनुसार प्रवाह की तरफ चले तो वैसे ही चले, और जल के सामने चले तो उसको परिश्रम नहीं पड़ता है, जल के सामने वैसे ही जोर से चलती है। जल के प्रवाह की बात नहीं है, जल की धारा ऊपर से गिरती है, उस धारा में धारा ऊपर चढ़ जाती है, कितनी जोर से नीचे गिरने वाली धारा उस धारा में वो चढ़ जाती है ऊपर पानी पानी, तो जल उसको कुछ नहीं कहता, भाई नीचे गिरती है तो वो नीचे गिरा दे। तो जो जाको शरण नहीं, अभी जल का शरण ले लिया तो उसको क्या करना पड़ता है, वो खुद निशा बताइए, और उस जल का प्रवाह जो रहा है तो बहुत जात गजराज, वो जो हाथी है कितना बलवान होता है, उसके सामने वो सिर छोटी सी मछली क्या बल रखती है, तो गजराज वो बह जाता है, उथल पुथल जाता है ऊपर नीचे, पैर नीचे पैर ऊपर, आप नीचे उथल पुथल, ऐसा घड़ी ना खाओ तो क्यों बह जाता है, वो तो तुम्हारे समझ सर तो भाई जंगल का है, पानी भी क्यों आया तुम नए, तुम हो ऐसे मछली भी कहाँ जाओ, अगर तो पानी बहा दे मछली को कहाँ जाकर रहेगी, कहाँ रहेगी वो, कोई रही बात नहीं है। इस बात से शरणागत की निश्चिंतता होती है। ज्ञान मार्ग वाला तो ब्रह्म से नीचे पैर रखता नहीं, और वो अपने अपना चलता ही नहीं, वो तो ब्रह्म ही बनता है, वो भगवान का दास ही बनता है, सिद्ध भगत होने पर भी वो दास ही रहता है, भगवान का ही होता है। गोस्वामी जी महाराज ने रामानाद सब लिख दिए, जिसे विनय पत्रिका लिखी, भगवान को पत्र लिखा तो विनय पत्रिका है, तो पत्रिका लिख दी भगवान के लिए, तो पत्रिका लिखी उसमें श्री सीता जी के लिए लिखते हैं, कब होगा अम्ब अवसर पाए माँ, कभी मौका लगे तो मेरी ही शुद्ध ध्याय भी कुछ करुण कथा चलाए, महाराज के सामने कुछ ऐसी कथा चलाना जिसे विद्रोहित हो जाए, भक्तों के चरित्र ऐसी करुण कथा कहना जिसे विद्रोहित हो जाए, उससे मेरा नाम लेना और मेरा नाम सीधा मत लेना। माँ को कहते हैं करुण कथा चलाना और कहना कि महाराज आपका नाम लेकर उधर पूर्ति करता है और आपके दासी का दास कहलाता है, दासी दास कहला,
तुलसीदास है ना, ऐसा नाम चलता है, पूछे तो मेरा नाम है ना, नहीं तो मेरी तरफ दृष्टि चली जाएगी तो ठीक नहीं है। अब करुणा हो तो हृदय करुणा से आर्द्र हो जाए और आप दासी गई दास है ऐसे कहो तो भगवान को अपनापन हो जाएगा, फिर मेरा काम ले लेना, तो मेरा काम हो जाएगा और मेरा काम बन जाएगा तो मैं ना तो तब गुण गान गा तुम्हारे मालिक का मैं गुण गाऊंगा, घूस भी देता है माँ को राम जी को गुण गाऊंगा। इस बार माँ ऐसा करा, बालक होता है माँ से सीधी बात करता है, पिता से सीधी बात नहीं करता, डरता है, माँ से सीधी बात करता है, जो मन में माँ से कह देता है। तो 100 वर्षों से ऊपर अवस्था आई है उस अवस्था में बात माँ से ही करते हैं, बच्चा इससे ही छोटा रहता है, वो खुश होने की बात आती है, लघु वयस स्वभाव तेज पुंज ऐसा स्वभाव है, लघु वयस छोटी अवस्था है, रमन की तरह छोटा ही रहता है सदाई, भगवान ने कहा भगत सदाई छोटा ही रहता, बड़ा होता ही नहीं, अरे ज्ञान छोटा होता ही नहीं, सीधा ब्रह्म ही होता है। अपने मारवाड़ में ब्राह्मण के घर जन्मता है ना, उस ब्राह्मण को जाट दादा कहते हैं, वो जन्मता दादा ही जन्मता है दादा ही कहलाता है, या साधु जन्मते ही बाबा जी होता है सीधा ही, तो बेटा गोता बोलना की बात नारी है, साधु हो गया बाबा सीधा सच सच सीधा ही, ऐसे भगवान का भक्त हो जाता है तो वो हो जाता है, तो होने में उसको नहीं देखता भाई हो गया, स्मृति लगता स्मृति मिल गई, स्मृति स्मृति याद आ गई, स्मृति तो अनुभव जन्य ज्ञान स्मृति, अनुभव जन्य ज्ञान स्मृति कहते हैं, अनुभूत विषया प्रमोश स्मृति पातंग दर्शन ये लिखा है, तो स्मृति लब्धा तुमने एकाग्रता सुधार करने की स्मृति याद आ गई, याद क्या आ गई भगवान का ही अंश हूं मैं, तो ब्याह में तो लड़की नए संबंध करती है, चाहे पुराना संबंध हो परंतु नया संबंध करती है, इसको तो पता लग गया मैं तो भगवान का हूँ ही, मैं तो भगवान का हूँ ही पहले से ही, इधर ख्याल नहीं था, वो ख्याल होने का नाम है स्मृति लब्ध, स्मृति मिल गई मेरी याद आ गई, भगवान का शरण ले ही रखा है। देखो आपसे एक बार बात पूछो, आप भाई बहनों में से कोई भी ऐसा कह सकता है मैंने अपने जान करके और इस माँ का जन्म लिया है, ऐसा तो कौन ये तो बताओ, तो जन्म किसने दिया, भगवान ने दिया, तो सब कुछ भगवान ने ही किया, और अभी जो कहते हैं अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो भगवान आपको पूछते हैं, छोटे बालों को स्नान कराती है तो माँ बच्चे की सलाह लेती है क्या, तो भाई मूड क्या सलाह देगा क्या समझा, वो तो स्नान करे, वो तो स्नान कर तो रोएगा कि मेरा बैग उतरते क्यों, माँ घुसवाता नहीं है स्नान करता, तो रो धो कुछ भी करो वो तो साफ कर देती है, जब मैं लगे जोर झगड़ दी वो ची ची करता है, करता रहे वो ऊपर हो ही नहीं, छोरे का स्वास्थ्य अस्वस्थ सज जाता है, तो माल को दे ही नहीं आते, ये मूल कर क्या है, राजीव थोड़ा कुछ स्नान कर लेगा तो बुरा लगता है, तो उसका शुद्ध करना निर्मल करना जो कुछ करना वो माँ करती है, क्यों करती है, कि उसको गोद लेना है, हृदय लगाना है, प्यार करना है, ये माँ को गर्ज है, उसको भी गर्ज है, मौज में रहता है, ऐसे में भगवान का हूँ मौज में रहता है, मोहन सदानंद चिंता दीन दयाल को मोहन सदानंद जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, इसने जन्म दिया कोई पालन करेगा, करेगा नहीं करेगा तो मत करो, अपने क्या मतलब, हमें उसे क्या लेना है, हम तो उसके हैं और थे पहले उसके ही, देखो तत्व ज्ञान होने पर भी ऐसा नहीं कि मैं पहले अज्ञानी था अब मैं ज्ञानी हो गया हूँ,
ऐसे शरणागत को मैं पहले शरणागत हूँ अब शरणागत हो गया हूँ ये नहीं होता है। स्मृति लगता वो तो पहले था ही पता नहीं था इस तरह ख्याल नहीं था तो ख्याल न होने से संसार का आश्रय लिया धन का आश्रय लिया योग्यता का आश्रय लिया पद का आश्रय लिया विद्वत्ता का आश्रय लिया तेरे कुटुंब का आश्रय लिया अनेक आश्रय लेना पड़ता है। भगवान का आश्रय लेने पर किसी का आश्रय लेने की जरूरत नहीं। अब आश्रय उसका लेंगे लोक उस वक्त लोग की किसी गर्ज नहीं है लोगों को गर्ज उसकी हो जाएगी। और मुझे ये नहीं समझा कि लोगों की गर्ज हो जाए मेरी गर्ज करते मैं बड़ा हो गया मुझे तो मैंने भगवान का हूं ही पैसे से ही हूं याद आ गई। तो शरणागति है ये सबसे बढ़िया है। इस बार शरणागति के श्लोक जो 65 और 66 है पहले सर्व भूय तम भूय श्रूय परम बचा और अंत में इंद्र ना तपस्या ना भक्ता कदाचन दोनों तरफ बंद कर दिया सर्व पूयतम है अरे वो कहना मत ऐसी बहुत ओपनी बात है सर्व पूयतम एक बार आता है पता गीता जी में सर्व पूयतम गुह आता है गुहतम आता है गुहतर आता है यदि गुहतम शासन राजगुह राज पर सर्व पूयतम सबसे अत्यंत गोपनीय बात। तो देखो भक्ति नाम किसका है भक्ति नाम है भगवान का और के भगवान का ही निरंतर रहना कहो भक्ति पथ कवर प्रयास गोस्वामी जी महाराज गए कहो बोलो जी श्रद्धा आप कहो बोलो कहो भक्ति पथ कवर प्रयास भक्ति के रास्ते में कोई परिश्रम होता जो होगा नमक तपको वर्षा वो दास कहा नर आशा करे तो कहो कहा विश्वास दूसरे का सगन विश्वास कहा है वो तो भगवान के विश्वास है ना भगवान का हूँ मस्त हो जाता है। तो ये मुफ्त में आनंद मिलता है मुफ्त में कब मिलता है एक बाण करुणा निधान की सो प्रिय जाके गति आन की दूसरे का सहारा दो अन्य अन्य आश्रित अन्य चेता सत्तम तस्या सुलभ अन्य अन्य कोई है ही नहीं सुपने वान पुरुष जमीना अन्य कोई है हमारे प्रभु के सिवाय कोई और है ही नहीं सीधे बात है। मैंने संतों के वचनों में सुना है कि दार्शनिक देखा जाए तो ऊंचे से ऊंचा दर्शन है कि एक परमात्मा ही है उसके सिवा कोई हुआ ही नहीं ये दार्शनिक बात है। अरे भगत होता है भोला वाला भगत एक पागल होता है एक ज्ञानवान तो समझदार होता है भगत होता है पागल। एक संत मिले थे तो ब्राह्मण थे साधु हो गए वो कहते थे मेरे मन में आती है कि भगवान कुत्ता बढ़ेंगे कुत्ता बढ़ जाऊ कुत्ता बढ़ने के मन में आती कामना है कुत्ता बढ़ जाऊ संतों भैया पर जो बैठा रहू दर्शन करता रहू उनके चरणों की रजी में तो लौटता रहू उनका शीत प्रसाद मिले पाता रहू रू सब देखता रहू मैं कुछ करने ही नहीं ऐसा नहीं भाई इतना ऊंचा छोटा बढ़ गया छोटा क्या बढ़ गया भगवान का बढ़ गया छोटा कैसे हुआ छोटा छोटा मोटा है ही नहीं जीवन में तो ऐसी मौज की बात है ये अपना अपना अपन छोड़ दे अपने अभिमान को छोड़ दे उस अभिमान नहीं होता अभिमान कैसा अपना अपनी कोई ऐश्वर्य अपनी कोई शक्ति है कोई सामर्थ्य हो तो उसका अभिमान हो अपना तो कुछ है ही नहीं अपना तो कुछ नहीं भगवान की शरण हो गया आनंद रहता है एकदम चिंता दीन दयाल चिंता ही नहीं है ये शरण हो जाना इसका काम है। तो सर्वप्राप्त मोक्ष विषया होता ना सबसे मुक्त करे मुक्त करा दूंगा ये काम भगवान का है। अब प्रेम होना दोनों को काम है भगवान अच्छे लगे मीठे लगे असली भक्ति क्या है कि भगवान का हूँ ये भीतर में जंगली बात ये असली भक्ति है।
भजन आदि है ये तो साधन है, साधन नहीं होता तो भजन करना पड़ता है, साधन भजन होना होता है साधन, एक करना एक होना एक है, तीन स्टेज है, पहले करना होता है फिर होने लगता है फिर होने नहीं है ही हो जाता है। संसार का काम करता है तो संसार से उठकर भगवान का भजन करता है और भजन करने पर भजन होने लगता है और होने पर है वे स्थिति हो जाती है, स्थिति हो गई है। इतने बैठे हैं क्या आपके मन चाही होती है, करी गोपाल की सब हो अपनो पुरुषार्थ जो अपने उसमें क्यों अपने पुरुषार्थ करे, अपने क्यों टांग अड़ाओ, भगवान की मर्जी है जैसे होता है। तो भगवान की तरफ से तो मात्र जीव को जीवों को भगवान ने अपना मान रखा है, नहीं जान रखा, जानते है भगवान, मानते ही नहीं है। लड़का तो माँ को मानता है, अरे माँ तो लड़के को जानती, वो तो मानता है भगवान को, अरे माँ तो जानती मेरा है, तो भगवान तो जानते हैं, ये मान ले बस। मान ले क्यों, दूसरों का माना है इस वास्ते से मान लेगी, ऊपर जिम्मेवारी आई। अगर जगत का अपने को न मानता, शरीर को न मानता, अपने वर्ण को आश्रम को न मानता तो मांगने की जरूरत नहीं थी इसके लिए। तो मांगने की जरूरत क्यों होगी, दूसरों को मानता है इस वास्ते मानना पड़ता है, पर मानने पर ये नहीं कि भगवान का पहले में ही था, बेचारे मेरा ख्याल नहीं था, इधर ध्यान नहीं था, मैं तो भगवान का हूँ ही, ऐसी बड़ी भारी मौज है, आनंद है उसमें, निश्चिंत रहता है, निर्भय रहता है अपना, अरे भगवान का चिंतन होता है, प्यारे की स्मृति होती है, मीठी मीठी याद आती है, उसका असर दुनिया पर पड़ता है, दुनिया दुनिया को अच्छा लगता है। जैसे राजकुमार कोई होता है तो राजकुमार को सब लोग आदर दृष्टि से देखते हैं, महाराज का राजकुमार है वही, सब आज देखते हैं, उसको पता नहीं है क्यों आदर करते हैं, कैसा आदर करते हैं, भाई तुम राजकुमार हो, ऐसे भगवान का भक्त होता है, सब लोगों को आदर होता है, लोग बड़े खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, वो कहते मेरे को कुछ नहीं है, कैसे प्रश्न हो रहे हो, तो उसको किसी की गर्ज नहीं होती, उसकी गर्ज सबको होती है, अरे भगवान के शरण में होने से उसकी गर्ज सबकी होती है, सब कोई गर्ज नहीं करता, नहीं दुत्कार करते तिरस्कार करते, अरे शरण होते ही महाराज रंग बदल जाता है, भाव ही बदल जाता है, असली स्थिति आ जाती है, ये ज्ञान और भक्ति सब आ जाता है उसमें। गीता में साफ आया है ददामि बुद्धि योगम तम, ये नाम अभियान शरण हो जाते हैं, दूसरे ने यम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धि योग से ज्ञान योग होता है, ज्ञान योग में कही अब बुद्धि योग है तो योग में बुद्धि सुनो, तो बुद्धि योग नाम कर्म योग का है, तो दसवें श्लोक में बुद्धि योग देते है और ग्यारहवें श्लोक में ज्ञान देते है, अज्ञान जम तमा ज्ञान दीप भास्वता ज्ञान दीप है ना, अज्ञान जम तमा नाशया, तो ज्ञान योग हो जाता, कर्म योग हो जाता, सब योग हो जाते हैं। काल भूषण जी को भगवान ने कहा कि तुम ज्ञान ले लो, अलमारी सिद्धि ले लो, भक्ति ले लो, ये ले लो, वो ले लो, पर भक्ति आपकी देने ने कही, मेरी भक्ति लगी देने ने कहा, आप विचार करने लगे तो भगवान की भक्ति मांगी तो भगवान खुश बहुत हो गए, प्रसन्न हो गए, तो भक्ति देने के लिए भगवान अपनी तरफ से नहीं कहते, बड़ों का ये काम नहीं तुम भक्ति करो, ये तो साधुओं का, मेरा चेला बन जाओ, मेरा आशीष जाओ, मेरा हो जाओ, ये क्यों हो जाओ, भूख है उसे, भूख होती नहीं है, भगवान की भूख होती नहीं, भगवान भी प्रेम के भंडार, ज्ञान के भंडार, योग के भंडार, भगवान महायोगेश्वर हरि है, योगेश्वर होता है एक महायोगेश्वर होता है,
तो महायोगेश्वर सुना सब जितने योग है, आठ योग, लय योग, मंत्र योग, राजयोग, कई तरह के योग, उन योगेश्वर के पानी के वो है। अब उसका शरण रहा तो महायोगेश्वर है, वो तो खजाना उसके मिल गया, पड़ा पड़ा है योग जो पड़े। कागभूषण कहते हैं भक्ति पक्ष हट कर ही रहे हो, भक्ति पक्ष मैंने हट किया, लोग उसी ज्ञान सिखाते हैं, मैं प्रश्न करता हूँ, फिर बार बार प्रश्न करता हूँ तो महाराज को क्रोध आ गया, कहते मैं कहता हूँ बात सुनता नहीं, वो कहते भाई मेरे तो भगवान के प्रेम है, जब मैं से उसको देख लूं फिर सुने हूँ ना साधु आप उपदेश फिर सुनूंगा, अभी मेरे को सुनता नहीं, भगत नहीं, मेरे तो भगवान की लगन लगी है, तो साप दे दिया। किंतु मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रत्युत्तर वो उठाने सी बातें तो बताता है, उत्तर प्रत्युत्तर करता है, मैं कहता हूँ बात मानता नहीं, वायस सभी जैसे कौवा चला होता डरता रहता है ऐसा, जा शब्द हो पक्षी चलना जा, ब्राह्मण थे ब्राह्मण में मनुष्य से ऊंचा वरना ब्राह्मण गुरु पक्षी चाहे पक्षी चंदाल पक्षी पक्षी हो गई क्या, तो न भैर वो दीनता ही, वो भयवर को दीनता ही बनने की इच्छा ही नहीं है, ठीक है महाराज अब चल कर जाना पड़ता था, अब उठ कर चले जाएंगे, परिश्रम पड़ेगा ऊंचा हो नीचा हो कोई मोल से, एक तो पहाड़ पर चढ़ है और ये उड़ गए उन्होंने क्या परिश्रम पड़ा जी, ये उड़ा सही ये उड़ा सही ये उड़ा बड़ा खुश हो गया, अब प्रसन्नता देखी तो पीछे बुलाया कागभूषण को, दोनों से पीछे बुलाया, पीछे बुला करके रामायण सुनाई आप जाओ तुम जाओ अव्याप्त गति हो जाएगी, दूसरे चार प्रश्न माया ने व्याप्त जिसने गए हो, तो कहते हैं भगवती पक्ष हट कर ही रहे हो, दिए महामुनि शाप, मुनि दुर्लभ बर पाए हो, देखो भजन प्रताप, तो भजन क्या है कि भगवान के शरण में तो वे शाप दे ताड़ना करते हैं, और कागभूषण जी कहते हैं कि प्रेरक रघुबर सभी भूषण में भगवान प्रेरणा कर रहे, भगवान मेरे को हुआ बना रहे हैं क्या है गुरु प्रेर रघुबर सभी भूषण, प्रेरणा तो भगवान की हो रही है ना, भगवान की कृपा हो रही है कौआ बना रहे, तो दुख इस बात हो मुनि तो श्राप देते है उसके भगवान का वरदान होता है, तो भगवान बना रहे हमारे बात भगवान शरण होते है, शरण होता है उसी देखो भजन प्रताप, भजन क्या है कि भगवान का हो गया ये भजन है, असली असली भजन है प्रेम सम भजन दूसरा पन्नगारी स्वरूप प्रेम सम भजन वाला, प्रेम क्या कि भगवान में आकर्षण, ये जड़ में आकर्षण उसका नाम कामना है वासना है आशा तृष्णा है, अरे भगवान तरफ है लोगों असली प्रेम है, अपना जिसका है उसकी तरफ जो होता है तो प्रेम होता है, और असत की तरफ आकर होता नाम आसक्ति है कामना है वासना है, ये पतन तरफ ले जाता है, वो तो अपना है भगवान का है भगवान का, तो ये असली बात है, अब उसको क्या करना पड़े, अब पहले चिंता होती है तो उतनी हमारे में कमी है, मैंने कमी पूर्ण की पूर्ति करने की भी चिंता नहीं होती, सर्वथा निश्चित नहीं हुआ सर्वथा निर्भर नहीं हुआ भगवान का है, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज भी अभी 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 इस क्षण सुधर जाए, हो राम को नाम जप भगवान का होकर भगवान नाम जप, अभी हो तरह संसार के जप करे भगवान के नाम का तो भगवान सुनते नहीं, हो राम को नाम जप हो जाए राम जी का होकर के, तो राम जी का है पहले से ही, तो असली बात आ गई मैं तो भगवान का हूँ, ओ ये राम को नाम जपो तुलसी दरी कुशमार,
दूसरे का होना कुसंग है, जो जनता का हो जाए, दुनिया का हो जाए, कुटुंब का हो जाए, तो ये कुसंग है। कुसंग छोड़कर हो ये राम को नाम जब भगवान को हो करके, अब नाम जब आपसे होता है, बालक जो माँ का नाम लेता है तो उसको नाम लेना पड़ता है, माँ माँ मीठा पड़ता, मीठा रहता है मीठा। मैंने बूढ़े बूढ़े संतों को देखा है, एक संत थे बूढ़े, बुखार आए, माँ अब कहाँ माँ है, माँ माँ याद आती है आप साहब, तो याद करना नहीं पड़ता है। मारवाड़ी का अभी अब के बिलम में माँ डिया है, अब के बिलम माँ डाडिया, तो सोते ही माँ भी याद आती है ऐसे, वो फिर ठीक ठीक ठिकाने आ गया, फिर वो शरण होते ही ठीक ठिकाने आ गया। अब जितनी चिंता और कमी है उस कमी की पूर्ति भगवान करेंगे, वो अपनी कमी पूर्ति के लिए भजन भी करता है, भजन प्यारा लगता है, अच्छा लगता है। आप जो श्वास लेते हो तो आपको परिश्रम पड़ता है, परिश्रम क्या दे बना मर जाओगे, ऐसे भगवान की स्मृति क्षणार्ध में भी आधे क्षण भी छोड़ दे, त्रिभुवन विभोग हित हो, त्रिलोकी का विभोग मिलता हो तो भी संख्या नहीं होता, क्षमा तो नहीं मिलता, भगवान का हूँ भगवान मेरे है। वो कमी पूर्ति भगवान करते हैं। द्रौपदी ने क्या कहा, मजा जाएगी लाज तिहारी नाथ मेरो का बिगड़े, वो जाएगी लाज तिहारी बेल थोड़ी लाज, आप जोड़ो आपने लाज है मेरा का बिगड़े, वो पति पास पास के तुम पति अब पत जाएगा तिहारी, सूर्य के स्वामी लाज मरोगे देखोगे द्रुपदा उघड़ी आपको शर्म नहीं आएगी। इस तरह से महाराज वो तो भगवान का रहता है, हरदम मौज में आनंद में रहता है निरंतर, भगवान का भजन होता है, जैसे आपका स्वास्थ्य होता है जीने के लिए, उसे भगवान का स्मरण भगवान का चिंतन ये उनका जीवन है, ये स्वतः स्वभाव आनंद में रहता है। वो जितना जितना अपना करता है ना उतना उतना अपना अभिमान है, तो अभिमान भी दूर भगवान कर देते हैं। अभिमान सुहाता नहीं है, अभिमान आता है उस अपने में वो सुहाता नहीं, पर चिंता नहीं होती, न सुहाने से चिंता होती ना आदमी की मेरी कमी रहेगी या कमी रहेगी, तो फिर चिंता होती तो कमी तो दिखती है पर चिंता नहीं होती, क्योंकि अपने पुरुषार्थ से कमी पूरी नहीं करता है, वो कमी पूरी होती है उसी कृपा से। तो नष्टो मोह स्मृति लब्धा, स्मृति मिल गई, अब स्मृति कृत हो रही है अपने वो मिल गई, इस तरह से जो कुछ कमी भगवान पूरी करते, अब करे न करे अपने क्या मतलब, नहीं करे तो अपने क्या चिंता नहीं, इस बात भगवान के नाम पर निश्चिंत रहता है, निर्भय रहता है। कुछ चिंता भय होता है तो भगवान को याद कर लेता है, बच्चे को आप माँ 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 याद कर, माँ ख्याल करे तो मौज न कर, बच्चा तो अत्यंत भोला होता है, वो अत्यंत सावधान होता है, वो सावधान से कुछ बता दे यथार्थ, बच्चा होता है इससे मौज होती है, बड़ी खास बात है। हम तो ऐसे ही हो, संतों का चरित्र देख कर ऐसे मालूम होता है कि कितनी विलक्षण बात है, कितने अलौकिक बात है, ध्यान 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 सब अपने आप होता है भगवान की कृपा से। हमारे उद्योग से करोगे तो अभिमान पैदा होगा, और भगवान ने किया हो तो अभिमान अपना तो नहीं पैदा होगा, अपने किए नहीं कुछ भी अभिमान किस बात का, इतना मैं योग्य हो गया, मेरी समझ आ गई, मैं अच्छा हो गया, अब अच्छा हो गया तो भगवान का हो गया, बुरा भी भगवान का है, हमें क्यों मतलब स्वास्थ्य, भगवान का भगत निश्चिंत देता है, निर्भय कहता है, निशोक निश्चय बनता है, कोई शंका नहीं कोई बात नहीं, हमें तो भगवान से कह देता है, बालक माँ के यहाँ से देता है, मैंने माँ से कह दिया, अब सब बैठा है
कहते माँ मैं तो मोती करूँ, यहाँ कहा मोती कर दी करूंगा मैं तो कोई शर्म नहीं आती माँ को करे कोई शर्म नहीं आती। ऐसा होता है भोला भाला सीधा माँ आप ही समझते हैं इसका मर दिया भाई। तो माँ तो एक धर्म की है, वो सदा की माँ है, भगवान तो सदा की माँ है हमारी। मम्मी मानसो जीव लोग है जीव भूत सनातन सनातन अंश है। कभी तो पहले पूछा था भगवान का अंश हो गया, ऐसा नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी सब सनातन मनुष्य सारी इंद्रियां प्रकृति स्थानी कर ये लग गया इधर मनुष्य सारी प्रकृति स्थानी प्रकृति में स्थित है। प्रकृति का अंश हर प्रकृति में स्थित है, ये भगवान का अंश हर प्रकृति उखेड़ता है। मन इंद्रियां ये बड़े सपूत है प्रकृति स्थानी, ये प्रकृति परमात्मा में स्थित है पर स्थित स्थित विमुख होकर खेलता है मनुष्य इंद्रियां गलती करता है। अब भगवान का हो गया जो गलती मिट गई तो मिट गया तो न सुख स्मृति लगता प्रसाद आता तो ऐसी बात है। मजबूत चिंता दीन दयाल वो कैसी बड़ी बात है। सच्चे हृदय से भूल जाओ अपना काम क्या है। जैसे ससुराल जाती है तो वह घर का काम उसका काम हो गया, ठाकुर जी का काम अपने पति का काम है वो अपना काम है। तो हरदम काम करती है, अपने घर का काम करती है पर वो करना पड़ता नहीं है। आप तो घर का काम करना पड़ता है, घर काम करना पड़ता आप जाएगी ये तो कर रहा है। उसके आनंद बहुत रहता है, मस्ती बहुत रहती है। जो तो दुख पाया था विमुख होता था तो विमुख होने से दुख पाता था, दुख सदा के लिए मिट गया। शरणे आये बहुत सुख पाया शरणे आये, तो भगवान के शरण हो जाता बस। तो भगवान की तरफ से तो शरण दिया हुआ है, इस वास्ते भगत क्या हे नाथ मैं आपका हूँ। ये असली भजन है, असली भजन है ये, नाम सब का तो नकली भजन है। और करे वो नकली हो वो असली सीधी बात है, की जाए तो नकली की जाती है ना, करे बिना असली तो नहीं। असली तो होता है स्वाभाविक वजन होता है, भगवान की चीज याद आती है तो अपने क्या करें। देखो अपने लिए करने की बात बताऊं, भक्तों की बात ये तो बड़े घरों की बात है, अपने साधारण घर की बात है कि हे नाथ आप मीठे लगो आप क्या ले लो। मांगना यही है भगवान से, मेरे को संसार नाशवान प्यारी लगती है वस्तु तो ये नहीं आप प्यारे आप मीठे हम तो मीठे आपको लगते हैं क्यों आपके अंश है, आप तो इस बात को जानते हो। तो सब मम प्रिय सब मम उपजाए इस बार सब मम प्रिय आपको तो प्रिय लगते ही हैं। अब इतनी नाथ कृपा करो जो आप हमारे प्यारे लगो, ये मांगो एकदम अल्लाह से आप प्यारे लगो आप मीठे लगो आप अच्छे लगो। ऐसी भक्ति है भगवान मीठे लगे भगवान प्यारे लगे भगवान ही अपने लगे। मेरे तो गुरुदेव गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो भगवान तो कोई मेरा है ही नहीं। मैं किसको याद करूं किसको बात करूं कोई है नहीं, मेरा तो भगवान दूसरा न कोई, दूसरा जब तक है भक्ति करूँ। तो भगवान से यही कहना ऐसी कृपा करो कि मैं आपको भूलूंगी, आपकी याद है आपकी मर्जी है, इसलिए काम है।